अच्छा तो तूने कपड़े ले लिए नहीं मार्केट से? चल तो हम आ रहे हैं देखो लेने, ठीक है? मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। गाड़ी से आ रहा हूँ, ठीक है? उससे बोलो कि उस तेरे लिए एक सरप्राइज है। और सुन, तेरे लिए सरप्राइज भी है, तेरे लिए एक। हाँ, अब सिंगल लॉन्डो के लिए क्या सरप्राइज हो ही क्या सकता है, सोच ले। भाई अपन तो आ गए भाभी से मिलने। अगर आपको फुल बदमाशी वाला कंटेंट देखना है ना, फुल लड़ाई देखनी है ना, तो भाई चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा इसका लिंक। रिया तुम भी कभी चेकआउट करना, मैं तो देखती हूं लड़ाई है बंदे। क्या भैया जय श्री महाकाल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और जिस पे आज हम करने वाले हैं सुमित, मैं, निकिता मिलकर के मिश्रा पे प्रैंक, तो कि जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन मैं, मेरी फर्स्ट इसलिए रही है क्योंकि मिश्रा से मैं शायद पहली बार ही मिल रही हूँ, और मेरे को जितना पता है कि वो बहुत गुस्से वाला है, तो ये ना हो कि यार ये वाला जो प्रैंक है वो हमारा हम पे ही भारी पड़ जाए। और इससे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं, मनोज जा रहा है, और इसी के साथ साथ अभी मनोज आ रहा है, तो मनोज और मुझे एक रील वगैरह शूट करने जाना है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो मनोज आ ही रहा है, पता नहीं मनोज ना सुबह से आ रहा है, सुबह 12 बजे से आ रहा है और अभी 1 बज रहे हैं, और पता नहीं मनोज कब तक आएगा। तो मनोज आ गया, ये देखो। मनोज से हाय और तेजू, ये मेरे घर में सब चाय पी रहे हैं सब। आपके लेके आया हूं मेरा भाई, मेरे लिए चाय लेके आया। देखो मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है। चलो चाय पी के फटाफट चलते हैं, क्योंकि सुमित से मिलना और मुझसे मिलना, और मैं निकिता के बर्थडे पे नहीं जा पाई थी, तो निकिता भी गुस्सा करेगी, तो चाय पी जाए। तो चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ना यहाँ पे एक शूटिंग लोकेशन पे आए थे, यहाँ पे अभी बंद है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुमित के पास। यार इतना गुस्सा आ रहा ना, एक रील शूट करना था जिसका थीम हम लोग ने ये डिसाइड किया था, लेकिन अभी तो बंद है, अभी पार्क बंद है, तो अभी हम लोग जाते हैं सुमित के पास। सुमित के पास पता नहीं क्या अभी क्या, मैंने अपने क्वालिटी बता दिया है, हम लोग प्रैंक करने वाले हैं। चलो चलते हैं फटाफट और मिलते हैं सुमित से मिलने के बाद। चलो, तो भाई सुमित की गिवन लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं। लोकेशन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ना अभी सुमित खुद लेट आ रहा है, अभी वो शायद मिश्रा को लेने गया है, तो प्रॉपर जो प्रैंक की जो तैयारियाँ है ना वो ऑलरेडी ऑल सेट है। तो वो मिश्रा आ रहा है, मिश्रा को लेके आ रहा है वो, और सुमित ने गिटार ऑल सेट, और हम रेडी हैं मिश्रा के ऊपर प्रैंक करने के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को प्रैंक्स वगैरह करना बड़ा पसंद है, एक्टिंग वगैरह मैं थोड़ी ढंग की कर लेती हूँ, तो आज हम मिश्रा पे कैसे प्रैंक करने वाले हैं वो तो ऑल सेट है ही, ठीक है? और सो कॉल्ड स्क्रिप्ट है कि मतलब हमने ऑफकोर्स डिसाइड किया ना कि भाई क्या कैसे क्या करना है, तो आप लोग फिर बोलोगे कि हाँ सुमित, रिया और निकिता स्क्रिप्टेड प्रैंक बना दे। भाई तो फिर स्क्रिप्ट है, हम लोग ने स्क्रिप्ट रखी हुई है, हम लोग ऑलरेडी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है? तो भाई स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है, और मिश्रा को लेके मतलब एकदम मिश्रा को जो कटघरे में जो होता है ना, इसको पकड़ो, देखो काम वाली लड़की। हाँ, तो मिश्रा को ऑलरेडी ऑल सेट हम लोग ने, मतलब जो होता है ना एकदम लोटे में उतारने वाला, वो ऑल सेट हम लोग ने सब कर लिया है, और अब मिश्रा आ रहा है, और फिर देखते हैं अब क्या होने वाला है। मैं तो बहुत फट रही है आज, फट भी रही है, और पता नहीं क्या बातें करूँगी मैं, देखते हैं। भाई जब तक निकिता सुमित आ रहे हैं, जब तक हमने सोचा फोटो सेशन ही कर लें। ये मॉडल रेडी है हमारे साथ में, चलो फोटो क्लिक करवाओ। तो भाई सुमित निकिता आ गए, वहीं से हॉर्न बजा रहे हैं। गाइस पता है क्या हुआ अभी, बताने जा रहा। हम दोनों ना फोटो खिंचवा रहे थे जैकेट उतार के, अब सुमित भाई सोचे ये लोग कर क्या रहे थे जैकेट उतार के। यहाँ बिछा के होली खेल रहे थे, वही था क्या? और ये पलीनो जा रही है। वो खड़ा है सुमित, चाबी निकाल ली। तो गाइस अब ना थोड़ा मजाक को दूर करते हैं। ओके तो okay. मिश्रा को जानती हो? हाँ आरन, मेरी वीडियो से स्टोरी तुमने देखा होगा दो तीन बार, मतलब मैं फॉलो भी करती हूँ। करती हो तुम? अच्छा हाँ, तो ठीक है। तुम मतलब एक बार बताया था ना मुझे उसके बारे में, वो बहुत पुराना दोस्त है मेरा, मतलब एक टाइम पे जैसे तुम कितने वायरल हो गए थे मेरे साथ रिया, अपने जब लव एंगल चल रहा था, जैसे अभी ये कितना फेमस है, तो आज से एक साल पहले मिश्रा बहुत फेमस था मेरे साथ, बेल्ट मैन के नाम से वो एकदम, लोग आज भी मतलब हैशटैग चलते थे मिश्रा दी बेल्ट मैन, लोग मुझे भूल के उसको याद करते थे। तो उस पे ना अपने को आज प्रैंक करना है,
तगड़ा अच्छा। बहुत तगड़ा भोपाल आया हुआ है वो, दो दिन से कल भी साथ पे था, तुमने देखा हुआ स्टोरी पे घूम रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उस पर प्रैंक करना तगड़ा वाला, और मिश्रा पे सिर्फ एक प्रैंक हो सकता है वो है लव एंगल वाला, क्योंकि अदर प्रैंक अपन उस पर नहीं कर सकते। अंडे अंडे नहीं फोड़ना, पंडित आदमी है कुछ नहीं खाता, वो मेरे को भी चिल्लाता था कि वो खाता है। तो आज ऐसा प्रैंक करना है रिया तगड़ा वाला, दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। बट तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि लव एंगल हमें दिखाना है उसमें। अच्छा लव एंगल सोचो क्या कर सकते और क्या कर सकते। देखो अंडे फोड़ नहीं सकते, लव एंगल वाले में क्या कर सकते है, किसी और लड़की से भिड़ा दे उसको। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया आया, रिया देख तुम आ गई हो ना, तो ऐसा करते हैं जैसे कि मिश्रा को पिक करने चलते हैं, वो भी तुम्हें जानता ही जहां तक है, ठीक है। तुम दोनों मिलोगे गाड़ी में, पीछे बैठोगे जहां से, और पीछे ही बैठेगा मिश्रा, ये तो आगे बैठी हुई है। हम दोनों ना क्या करेंगे कि गाड़ी से उतर जाएंगे कहीं भी लोकेशन पे घूमने के बहाने आके, हम दोनों उतर जाएंगे। फिर तू उसको ना मतलब छेड़छाड़ ही करना, मतलब उसको एकदम बहलाना फुसलाना कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। ऐसा कर लेना, नहीं दिखेगा दिखेगा कैमरा में, चालू करके छोड़ दूंगा। आगे बैठ सकते हैं क्या? बैठ जाना आगे, हम तो निकल जाएंगे। मैं उसको बोलूंगी, मैं उसको बोलूंगी कि ना तू मेरी फोटो वीडियो खींच दे, जब तक लोग तुम लोग, मैं उसको कैसे भी करके आगे बिठवा दूंगी। आगे बिठवा देना, कुछ भी कर देना, और उसके बाद तुम ना मतलब उसको उसको मतलब बहलाना पूछना, मतलब अपनी तरफ खींच लेना। मानेगा तो ये बता। अरे मान जाएगा वो, लड़कियों को देख के कौन नहीं मानेगा, खूब वैसी सिंगल लौंडा उसका गर्लफ्रेंड तो है नहीं, कौन ही बनेगी बेचारे की, हरकते ही गुंडों वाली, हर जगह लड़ता झगड़ता रहता है। मैंने उसको जितने ब्लॉग देखे सब में लड़ता है, मारता है, इसको मार दिया उसको मार दिया। तो इसीलिए तुम कुछ मत करना, बढ़िया जाना, मतलब हम लोग निकल जाएंगे गाड़ी से बाहर, जहाँ मुझे निकलेंगे फ्लर्ट करना उसको ना, कैसे भी करके ना अपना बॉयफ्रेंड बना ले, उसको लगे तुमसे गर्लफ्रेंड बन चुकी हो। अच्छा, उसके बाद प्रपोज मारना है मेरे को। हाँ, प्रपोज मार देना उसका, प्रपोजल प्रैंक टाइप करना है कुछ। फिर जब एंड में खुश हो जाएगा, उसके अरमान जगने लगेंगे, तो अपन धप्पा कर देंगे, पर जो भी रहेगा। सुनो सुनो सुनो, वो तुम्हें बताएगा ना तुम लोग को, मैं ऐसे प्रिटेंड करूँ की भाई मैंने क्या किया। ये भी सही है, ये कर सकते हैं। उसपे उसको उसको समझ ही नहीं आएगा दो सेकंड के लिए हुआ क्या है उसका। सही बात है, सही बात है। तो गाइस ठीक है, जो भी प्लान है ये अच्छा यही आ रहा है, इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। बट तगड़ा होगा ये प्लान यार, मतलब तुम कुछ सोचो कि तुम्हें कोई लड़की खुद से सामने तुमको प्रपोज करे, और आफ्टर दैट उसके 10 मिनट बाद वो पलट जाए, तुम्हारे दिल के अरमानों का क्या होगा। वही मुश्किल होने वाला है भाई, वो मिश्रा तो बेल्ट पेन बेल्ट से ही मान गया, मेरे को लग रहा है कि मैं पिटूंगी आज। बट प्रैंक तो करना है, मजा तो आएगा, मजा दिल के साथ खेलना बुरा, दिल के साथ खेलना नहीं चाहिए किसी का, पर हमें को यार। बट ठीक है यार, बताओ 10 मिनट में किसी को प्यार हो जाता है? हाँ सही हो जाता है, कोई नहीं होता, मुझे नहीं होता था एक जमाने में। तो कहीं ठीक है, दिल के साथ क्या ही खेलना है, इतना तो चलता है यार दोस्ती यारी में। चलो ठीक है, फटाफट चालू करते हैं, जो एक काम करते हैं मिश्रा को फोन लगाता हूँ, पिक करने चलते हैं, ठीक है। चलो गाइस कहाँ है पूछ लेते हैं, आज तो पिटने वाली हूँ मैं, मेरे को नहीं पता पिट के जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे पिटेगी, मैं तो बैठा हूँ, बाकी ये संभाल लेगा, ये संभाल लेगा, ये पिट जाएगा, मैं पिटने नहीं चाहिए। उठा ले बस, यार भाई अच्छे इसको। तो पढ़े कौन से पढ़ा है तू? ट्रिनिटी कॉन्वेंट, ओलंपस हाई, ट्रिनिटी पता है मेरा फेवरेट स्कूल है, पता है। और भोपाल में ट्रिनिटी, ट्रिनिटी ट्रिनिटी मेरा मेरा सपने का कॉलेज है। और क्या सपने का कॉलेज है? हाँ भाई बताओ क्या कह रहे थे तुम, भाभी से मिलने। अगर आपको फुल बदमाशी वाला कंटेंट देखना है ना, फुल लड़ाई देखनी है ना, तो भाई चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा इसका लिंक। रिया भाई तुम भी कभी चेकआउट करना, मैं तो देखती हूं। हर टाइटल में लड़ाई है बंदे की, देखो भाई। और इसके पंगे होते भी हैं एक्चुअल में, ये करता नहीं है एक्चुअल में, इसके पंगे होते भी हैं, मैं इसको जानता हूँ। यही वाइब्स तो चाहिए मुझे यार। वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है। मैं क्या भाई लोग पसंद है क्या? मतलब भाई लोग जैसे? नहीं यार तुम समझो यार, भाई मतलब वो गुंडे वाला भाई, गुंडे वाला भाई, फुल पावर टाइप में से, प्रोटेक्टिव फील हो यार सबके उनके साथ। हां सही है, तो गाइस इसका चैनल डाल दूंगा मैं। ये तो भैया क्यों इन चाहिए मेरे। ऐसी कोई तेरे अबे चूती है तो क्वीन है। अरे मैं किंग हूं, मुझे क्वीन चाहिए, मैं किंग हूं, मुझे क्वीन चाहिए। क्वीन मिलेगी तुम्हें मिश्रा, तुम्हें मिलेगी क्वीन। अच्छा क्या क्या चाहिए तुम्हें क्वीन में? भैया कुछ नहीं चाहिए भैया, भाई पिज़्ज़ा में वीडियो में आता ना भाई। आप ऐसे कौन हो? मैंने तुमको वीडियो में देखा। मेरा नाम रिया है यार।
रिया आया है वीडियो में देखा है। अबे ये मेरा पहला प्यार भूल गया केटीएम टेक्नोलॉजी है इसकी सौतन। अगर ये गर्लफ्रेंड मेरी होती तो रिया, बट अब रिया मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, रिजेक्ट कर दिया था मेरे को। भैया भाभी का मुंह उतर रहा है, क्या कर रहा है यार, अब तो अब मेरा भाई है। चलो ओए भाई, भाई नहीं हूँ मैं तेरा। निकिता मैंने राखी बांधी है, राखी बांधी है मैंने। भैया अपन तो मिलने आए भाभी से और समझ भाई से, बढ़िया एक नंबर। चले भाभी अपन कुछ खाने पीने। रिया मेरे को ना रुको, मेरे को ना एक रील शूट करनी है। चलो या आगे निकिता और मैं कर लेंगे, गाड़ी में बैठ के वेट कर लेना। जो हम दोनों क्यों बैठे, मैं भी चलूंगा ना। अबे तेरा काम नहीं है ना, हम दोनों रील बनानी है ना, वो पीछे खाली बैकग्राउंड चाहिए ना। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम क्या मेरे पास बैठोगी? अरे तो मेरी फोटो क्लिक कर देना तुम। नहीं तुम मेरी खींच देना। हाँ ठीक है ठीक है। गाइस ये देखो ये गाड़ी रखता है अभी या अभी या कभी, आई डोंट नो। ये देखो मिश्रा जब भी आता है ना ऐसी चीज होती है। ओह माय गॉड। वैसे गाड़ी का अंदर का सब कुछ सेफ है तो लोग सेफ है मेरे हिसाब से, ज्यादा इंजरी नहीं हुई है। पूरे इनोवा पलट चुकी है भाई साहब। ये देखो ये यहाँ कैसे पलट गई, या तो लोग बहुत नशे में होंगे, सही सी बात है, सही है। या तो देख यहाँ गाड़ी कैसे पलटेगी, नशे में हो गए या कुछ पता उतर आ गया होगा। तुमसे मिलने आया, मैंने गाड़ी देर से मिलने आता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैंने तो रोज दिया था बस। वो 3 मिनट से चिप्स फाड़ रही है, खाएंगे अब। मैंने तो भाई व्लॉग अभी बन चुका है यहाँ पे, अब मनोज और हम लोग निकल रहे हैं। हमारी व्लॉग की बात डल गई है, वो रहा सुमित। बाय सुमित, चलो।